हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली के जरिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने असम में हरियाणा में बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। करनाल के असंध पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा में बीजेपी के शासनकाल में जनता की भलाई के लिए पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विस्तार से बखान किया। उनका दावा था कि पिछले 10 सालों में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए जो विकास योजनाएं उनकी सरकार की ओर से चलाई गयी, इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये असंध की सरदारी का पूर्ण विश्वास है। 4 अक्टूबर को भरपूर आशीर्वाद, ये असंध की सरदारी का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। असंध की जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी केवल बीजेपी सरकार की उपलब्धियों तक ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने वाली कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने उल्टे कांग्रेस से ही हरियाणा में उसके कार्यकाल का हिसाब मांग लिया। उन्होंने कांग्रेस को लोगों को धोखा देकर भ्रम फैलाने वाली पार्टी करार दिया। उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार जब युवाओं के लिए नौकरियां निकालना चाहती है, कांग्रेस के भर्ती विरोध गैंग उसे किसी न किसी रूप में आकर रुकावट पैदा करने से नहीं चूकता। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा को यह कहना चाहता हूँ, जो ये बोल रहा है वो बोलता है, कहा ये तो घोषणा करने पे लगा हुआ है। हुड्डा साहब, जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर पे लकीर है, और वो बातें वो कैबिनेट की बैठक बुला करके उनको अमल में उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। और भाइयों, ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ये मुद्दा बता सकते हैं, तो ये भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के ये कांग्रेस के लोग निकले हैं। हरियाणा के तूफानी दौरे पर निकले सीएम सैनी ने असम के अलावा लोहारू और गोहाना में भी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीम।